see where this goes. Let's go back to the Congress's induction ceremony for Jignesh and Kanhaiya. Sir, एक सेकेंड, let me announce that also. Bansal साहब और Kanhaiya जी का स्वागत करेंगे. और मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे साथी नितिन राउत जी से और उनके साथ साथ भक्ताचरण दास जी से, केसी वेणुगोपाल जी से, बंसल साहब से कि वो जिग्नेश मेवानी जी का भी औपचारिक तौर से हमारी विचारधारा से जुड़ने के लिए, कांग्रेस की विचारधारा के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए स्वागत करें. भैया बहुत शुक्रिया. और ठीक है, बिल्कुल. आई एम हैप्पी विद इट. वी विल आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए. और मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे युवा साथी कन्हैया कुमार जी से कि वो अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे. कन्हैया जी. सबसे पहले इस संवाददाता सम्मेलन में आए हुए मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का, और मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जगह की कमी के चलते कमरे में आ नहीं पाए हैं लेकिन सुन रहे हैं बाहर खिड़कियों से, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ. और मंच पर उपस्थित AICC ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी रेणु जी, जनरल सेक्रेटरी सुरजेवाला जी, SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन नितिन राउत जी, बिहार के प्रभारी भक्तचरण दास जी, बिहार के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी और कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर पवन बंसल जी, हमारे युवा साथी और गुजरात कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भाई हार्दिक पटेल जी, और हमारे आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर हर घड़ी हमारा साथ देने वाले हमारे साथी बडगाम से निर्दलीय विधायक साथी जिग्नेश मेवानी जी, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं. और मैं अपने पत्रकार साथियों से कुछ चीज़ों को लेकर मुखातिब हूं. उससे पहले आज ये एक ऐतिहासिक दिन है. आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है. लोग शहीद होते हैं, भगत सिंह शहीद आजम हैं. शहीद आजम इसलिए हैं कि आज हम लोग जहां माल्यार्पण करने के लिए गए थे, शहीद पार्क, वो शहीद पार्क एक ऐतिहासिक पार्क है. वो हिस्सा है फिरोज शाह कोटला फोर्ट का, जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद जी की अध्यक्षता में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की गुप्त मीटिंग हो रही थी. अंग्रेजों के ज़माने में क्रांतिकारी छुपकर मीटिंग किया करते थे. नौजवान तरुण भगत सिंह एक प्रपोजल लेकर के आए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी होना चाहिए. यह ऐतिहासिक क्षण, वो ऐतिहासिक भूमि, और हमारे युवाओं के
आइकन शहीद आजम भगत सिंह को हम अपना नमन प्रस्तुत करते हैं। आज एक दुखद घटना भी हमारे जिले में हुई है, वज्रपात के चलते दो बच्चियों का निधन हो गया है। मैं इस मंच से उनके प्रति शोक व्यक्त करता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आजकल सूचना क्रांति के इस दौर में हमसे ज्यादा मालूम हमारे पत्रकार साथियों को होता है, तो बेहतर ये होगा कि आप सवाल पूछें, मैं आपका जवाब दूं। लेकिन आप सवाल कहां से पूछेंगे और आपके मन में कौन से सवाल चल रहे हैं, इसका थोड़ा सा अंदेशा है मुझे, थोड़ा अंदाजा भी है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने पत्रकारिता की उस मिसाल को जिंदा रखा है कि कम से कम विपक्ष से तो सवाल करते हैं ना, ताकि इस देश को याद रहे कि पत्रकारों का काम है सवाल पूछना। तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, जितना सवाल आप पूछना चाहते हैं पूछिएगा, बारी बारी से पूछिएगा, सारे सवालों का जवाब दूंगा। बस एक सवाल का जवाब जो मुझे लगता है कि आप सबके मन में होगा कि आप कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन किए हैं, उस सवाल का जवाब दे करके मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ मुखातिब होऊंगा, माइक उनको समर्पित करूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे यह महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। वो इस देश की सत्ता पे ना सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो सोच है, उस सोच के बारे में आप अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो हमने ये चुनाव किया है, हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर देकर के बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा, लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को यह लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। और यह बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, देश में प्रधानमंत्री अब भी हैं, देश में प्रधानमंत्री इससे पहले भी थे, देश में आगे भी प्रधानमंत्री होते रहेंगे। लेकिन आज जब हम लोग श्री राहुल गांधी जी के उपस्थिति में फॉर्मली कांग्रेस पार्टी का फॉर्म भर रहे थे, तो साथी जिग्नेश ने संविधान की कॉपी दी और हमने उनको भगत सिंह, गांधी और अंबेडकर की तस्वीर प्रस्तुत किया, क्योंकि हमारा यह मानना है कि आज इस देश को भगत सिंह की वीरता की जरूरत है, भगत सिंह के साहस की जरूरत है, आज इस देश को अंबेडकर की समानता की जरूरत है और आज इस देश को गांधी की एकता की जरूरत है। गांधी जब कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये गांधी की एकता है। जब अंबेडकर कहते हैं कि किसी भी समाज का मूल्यांकन वहां महिलाओं की क्या स्थिति है इस बात से होगा, तब वो समानता की वकालत कर रहे होते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी एक समुदाय के नेता थे। कांग्रेस पार्टी ने, संविधान सभा ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने की जिम्मेवारी दी और उस संविधान के प्रियम्बन में यह लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इसमें समानता, न्याय के मूल्य निहित हैं। और जब भगत सिंह कहते हैं कि आप व्यक्ति को कुचल सकते हैं, विचारों को नहीं,
आप बम और पिस्तौल से कभी इनकलाब नहीं ला सकते हैं, उस साहस की जरूरत है हमको। मुझे नहीं लगता है, मेरे बहुत सारे राजनीतिक दोस्तों को यह लगता है, मुझे लगता है कि यह देश 47 से पहले वाली स्थिति में चली गई है। लेकिन जिनको लड़ना है उनके पॉलिटिकल इमेजिनेशन में आज भी हर कोई अपना अपना शोरूम बचाने के चक्कर में है। रे भाई, मॉल में आग लग गया है, दुकान बचाओगे? बस्ती में जब आग लग जाती है ना, बेडरूम की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज हम इस मुहाने पे खड़े हैं कि इस देश के भीतर भारतीय होने की जो पहचान है, जिसमें बुद्ध निहित हैं, जिसमें कबीर निहित हैं, जिसमें नानक निहित हैं, जिसमें हर बार हर दौर में सत्ता से सवाल पूछने का साहस होता है, उस भारतीय चिंता परंपरा चिंतन परंपरा को बचाने की जरूरत है। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गांधी की विरासत को लेकर के आगे चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सरोजनी नायडू के विचारों को लेकर के चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अंबेडकर, नेहरू, अशफाक उल्ला खान, शहीद आजम भगत सिंह और मौलाना अबुल कलाम के आजाद के रास्तों पे चलेगा। हम जब भी समानता और बराबरी की बात करते हैं, यह कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, यह भारतीय होने का इतिहास है। और इस भारतीय होने के इतिहास को अपने आप में यदि कोई समेटे हुए है तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। और जो लोग कह रहे हैं विपक्ष कमजोर हो गया है, यह सिर्फ विपक्ष के लिए चिंता की बात नहीं है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, कोई शास्त्र कोई किताब उठा करके देख लीजिए, जब विपक्ष कमजोर हो जाता है सत्ता ताना